महू शहर के समीप गौशाला घाट पिछले कुछ वर्षों से अव्यवस्थाओं का अड्डा बना हुआ है। क्षेत्र के लोगों ने एसडीएम से शिकायत की है कि नगर परिषद द्वारा इस घाट से अवैध रूप से मुरम मिट्टी निकालने के कारण घाट काफी गहरा हो गया है एवं रात्रि में अंधेरा होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही है। शुक्रवार को तेलीखेड़ा के निवासियों ने महू एसडीएम अभिलाष मिश्रा से गुहार लगाई कि नगर परिषद महू गांव द्वारा इस घाट से 100 से अधिक डंपर गिट्टी मोरम निकाली जा चुकी है, जिसके कारण यह घाट काफी गहरा हो चुका है। साथ ही रात में अंधेरे से घिरा रहता है, जिसके चलते आए दिन यह दुर्घटना होती नजर आ रही है। ऐसा ही एक मामला कुछ दिन पुराना है। गौशाला निवासी वरदान यादव पिता राजकुमार यादव की घाट में डूबने से मौत हो गई थी। उसके बाद भी यहाँ रोजाना बच्चे नहाने पहुंच रहे हैं। रोजाना यहाँ 50 से अधिक लोग मछली पकड़ने पहुंच रहे हैं, लेकिन नगर परिषद द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शुक्रवार को गौशाला तेलीखेड़ा के रहवासियों ने एसडीएम से गुहार लगाए कि इस ओर ध्यान दिया जाए। इस दौरान राजकुमार यादव, देवी सिंह यादव, अजय सिंह लीला पवार आदि लोग मौजूद रहे। महू से अंजीत मोनू बाथम की रिपोर्ट। भैया, ये बच्चे की पानी में डूबने से मौत होने की दुर्घटना के कारण ये ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया जा रहा है। ये 9 तारीख को हुआ था, 9 सितंबर को पानी में डूबने से, जहाँ पे गहरीकरण हो गया है, बाकी वो मिट्टी निकाल ली गई है और गड्ढे के अंदर जाने की वजह से, वो हाथ में हमारे नहीं आने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ये देखना है कि भाई वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उससे थोड़ी सी देखभाल करके और उसकी नया जीर्णोद्धार करें, या उसकी जो सीढ़ियाँ वगैरह है टूट गई हैं वो बनाएं, और जो गड्ढा हुआ है उसके लिए जानकारी निकालें। चौकीदार कि किसी प्रकार की कोई 5-6 घटना हो चुकी, 5-6 मृत्यु हो चुकी उस जगह पे। उस जगह पे 2-3 दिन तो ऐसी घटना होती रही, 15 दिन पहले जाने को दम बचा चुके हैं वहाँ पे बच्चों को।